यह प्रश्न सिमिलर ट्रायंगल पर आधारित है, आपके टेक्स्ट बुक के उदाहरण में यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए ये सबसे आसान है, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। देखिए ये आकृति आपको दिया हुआ रहेगा, देखिए दिए हुए आकृति में यहाँ दिया हुआ क्या है, पी क्यू समांतर आर एस, सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर, यानी ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। चलिए इसको सीधे हम सॉल्यूशन में जाते हैं, क्योंकि फिगर दिया हुआ है इसलिए दिया हुआ है, प्रमाण सिद्ध करना ये सब देने की जरूरत नहीं है, आप दे भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज पी ओ क्यू और त्रिभुज एस ओ आर, ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए आप इन दोनों त्रिभुजों के कोणों को बराबर सिद्ध करके दिखा दीजिए। आप जिन दोनों त्रिभुजों के कोण को आप बराबर दिखाएंगे, उन दोनों त्रिभुजों को पहले यहाँ आप इंडिकेट कर दीजिए। चलिए त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज एस ओ आर में, ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है, देखिए देखिए यहाँ कोण पी बराबर कोण यस हो जाएगा, क्यों, देखिए पी क्यू समांतर एस आर, यहाँ लिख दीजिए चूंकि, अच्छा यहाँ बाद में लिखेंगे, देखिए कोण पी बराबर कोण यस हो जाएगा, इसको आप एक दो तीन भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। देखिए कोण पी बराबर कोण यस, यहाँ हम लिखते हैं कोण पी बराबर कोण यस, ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण, यदि आप एकांतर कोण को नहीं समझते हैं तो प्लेलिस्ट में बेसिक ज्योमेट्री का एक लिंक दिया हुआ रहेगा, उसमें आप एकांतर कोण संगत कोण से संबंधित एक प्रश्न है क्लास 7 या 8 का, उसमें आप जाकर देख लेंगे। ये दोनों कोण कैसे बराबर हो गया, देखिए पी क्यू समांतर एस आर दिया हुआ है, चूँकि यहाँ लिख देते हैं बगल में पी क्यू समांतर एस आर, जब पी क्यू समांतर एस आर है तो ये कोण और ये दोनों को, ये कोण कोण पी और कोण क्यू, ये देखिए ये दोनों रेखा समांतर है, पी एस एक त्रिअक्षीय रेखा है, तो यहाँ कोण पी और उसके ठीक उस पार ले आएंगे कोण यस, इस तरह के कोण को एकांतर कोण कहा जाता है, लेकिन यहाँ शर्त है कि ये दोनों रेखा समांतर होना चाहिए, तो समांतर क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए कोण पी बराबर कोण यस। चलिए उसी तरह से आप देखिए कोण क्यू, कोण क्यू बराबर कोण आर हो जाएगा, कोण क्यू बराबर कोण आर, ये भी हो जाएगा एकांतर कोण। अब देखिए ये कोण पी ओ क्यू, इसको आप अकेले वो मत लिखिए, क्योंकि वो पर दो कोण बना हुआ है, इसलिए आप वो को कोण वो अकेले मत लिखिए, इसको लिखिए पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू बराबर कोण यस ओ आर, यस ओ आर, ये देखिए ये सम्मुख कोण है, यानी शीर्षाभिमुख कोण, यानी दो रेखा जब भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यहाँ लिख दीजिए आप शीर्षाभिमुख कोण। चलिए अब देखिए त्रिभुज पी ओ क्यू का तीनों कोण त्रिभुज एस ओ आर के तीनों कोण के बराबर हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर, ये एंगल एंगल एंगल, ये तीन एंगल से आपने इसको समरूप सिद्ध किया। चलिए यही आपको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया।